एक डेरिवेशन है क्या? मैंने आपको बोल तो दिया कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, तो कोई कहता सर इसको मैथमेटिकली प्रूव करके बताओ ये पैराबोलिक है या नहीं है। तो प्रूव करने के लिए इमेजिन करो कि ये मान लो एक टॉप ऑफ द टावर है, यहां से आपने इस बॉल को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर दिया, इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जीरो। कितनी हाइट से प्रोजेक्टाइल गिरा? वाई। हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना कवर किया? एक्स। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो पाथ है, ये रास्ता है डॉटेड डॉटेड, ये पैराबोला की शेप एक्वायर करेगा। तो एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है यू, हमने लास्ट टाइम किया था, और मान लो टी टाइम में प्रोजेक्टाइल नीचे उतरा, एक्स के अलोंग एक ही क्वेश्चन अप्लाई होती है, एक्स इज इक्वल टू यू टी या एक्स इक्वल टू वी टी। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हमने क्या ली यहां पर? यू यू यू, तो यू आएगा, और हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस क्या है? एक्स। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक। अब वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल की? जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? जी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बॉडी? वाई। अप्लाई करें एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह वाई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू एक्स और वाई कवर करने में सेम है, तो टाइम की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट कर दें, तो टाइम की जगह पुट करें एक्स बाई यू, तो एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया। यहां से जी बाई टू यू स्क्वायर इकट्ठा ये टर्म आ गई। जब आप किसी भी बॉल को मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं, तो पूरे रास्ते में यू की वैल्यू रिमेन्स सेम। तो यू इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल, टू इज अ कॉन्स्टेंट, जी इज अ कॉन्स्टेंट, तो लेट अस सपोज दिस कॉन्स्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई के। अब मैथ्स के अंदर इक्वेशन है वाई इज के एक्स स्क्वायर, हमने की भी थी पैराबोला की इक्वेशन, मैंने दिखाई थी आपको, वाई इज इक्वल टू 4 के एक्स स्क्वायर या 4 एक्स स्क्वायर। तो अगर मैथ्स में वाई प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाए और आप इसका कोई ग्राफ पेपर पर ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ की शेप क्या आएगी? पैराबोला। तो इसको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ की इक्वेशन, रास्ते की इक्वेशन। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या आएगी? पैराबोला। तो ये प्रूव हो जाता है इसमें, क्योंकि वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है इस ट्रेजेक्ट्री में, इस प्रोजेक्टाइल के गिरने में, इसका मतलब पाथ फॉलोड इज पैराबोलिक इन नेचर। तो स्कूल में प्रूव करने को आ सकता है कि प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से गिरा, तो प्रूव करो ये पैराबोला, तो अपने डेरिवेशन करके आने हैं। इसके अंदर एक और भी टर्म आ सकती है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? कितनी देर तक बॉडी हवा में रही, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, उड़ने का टाइम। तो बॉडी कितनी देर तक हवा में रही, यहां से गई थी और यहां पे आई, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब नीचे गिरने का समय। तो नीचे गिरने के समय को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। अभी इस क्वेश्चन में वाई जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट वाई, और नीचे गिरने का टाइम क्या है? कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट को नॉर्मली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे गिरने का टाइम कैपिटल टी, एक्सेलेरेशन जी, फिर से अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह वाई, जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम निकाल लो, ये क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर पेपर में आ जाए कि एक प्रोजेक्टाइल को टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल गिरा जाए और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, तो समझ में आ रहा है ये पार्ट करना है। अगर वो पूछे कि पैराबोलिक शो करो, तो पहले वाला पार्ट करना है। अगर वो ये पूछे कि बताओ ये डिस्टेंस कितने है, जमीनी डिस्टेंस कितने है, जमीनी डिस्टेंस को क्या बोलते थे? रेंज। तो रेंज एक्स कितनी है, तो थर्ड पार्ट करना है। क्या पार्ट करना है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ऑन द ग्राउंड को क्या बोलते हैं? रेंज। तो डायग्राम में एक्स इज द रेंज, और रेंज को एक्स की जगह सिंबल क्या नाम देते हैं? आर। रेंज मीन्स आर। रेंज कभी वाई में मिलेगी नहीं, रेंज हमेशा एक्स में मिलेगी। तो अब आपको डिस्टेंस जो निकालना है वो किस एक्सिस पे निकालना है? एक्स पे। तो इक्वेशन किस एक्सिस पे लगेगी? एक्स पे। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है यू। तो कौन सी इक्वेशन लगती है एक्स में? हमेशा एस इज इक्वल टू वी टी, यानी कि आर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, कितनी? यू। और कितनी देर में बॉडी नीचे उतर आती है? कैपिटल टी। तो यहां पर क्या आएगा? कैपिटल टी। क्लियर है यहां तक? तो कैपिटल टी की वैल्यू तो मैंने ऊपर से निकाल रखी थी, ये रही। इस कैपिटल टी को यहां पुट कर देते हैं, यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन किसका आएगा? रेंज का। तो अगर आपके स्कूल के एग्जाम में, देखो ये कॉम्पिटिशन में नहीं आता, स्कूल के एग्जाम में थ्योरी में आता है,
कि आपको एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एक प्रोजेक्टाइल को आपने फायर कर दिया हॉरिजॉन्टल, तो तीन पार्ट आ सकते हैं, प्रूव करो पैराबोली के नेचर एक, टाइम ऑफ फ्लाइट दो, और हॉरिजॉन्टल रेंज तीन। तो समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें, ये तीनों में से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको वैसे ही हैंडल कर लेना।